हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटी एस वाई पूनम। मैं आज आपको पॉकेट लगाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। आपको अगर पॉकेट लगानी नहीं आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आपको 100% पॉकेट लगाना आ जाएगा। चाहे पैंट में लगाओ, प्लाजो में लगाओ, स्कर्ट में लगाओ, किसी में भी आप इस टाइप की पॉकेट लगा सकती हो। बहुत ही सिंपल है। ये अस्तर वाला पैंट है, कटिंग कर चुकी हूँ मैं। पहले मैंने अस्तर रखा है, फिर ऊपर से मैंने फैब्रिक रखा है। आप देख सकते हैं दोनों अस्तर और कपड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। पॉकेट की कटिंग भी कर ली है मैंने, और ऊपर से 2 इंच और हाथ डालने के लिए 5.5 इंच रखा है मैंने। आप इस तरह से सिलाई चौक से निशान लगा लें अगर आपको प्रॉपर सिलाई लगानी नहीं आती है तो। और सिंगल पर्थ रखें पॉकेट का, ध्यान रखना सिंगल है ये। जैसे हम डबल कट करते हैं और ये सिंगल है। सिर्फ मेरे आपको पॉकेट लगाना सिखाना है इस वीडियो में। कहते हैं बहुत लोग कट तो कर लेते हैं पॉकेट सिंपल सी, लेकिन जॉइंट करना नहीं आता, पैंट में कैसे जॉइंट करें, तो वही आज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत ही छोटी सी वीडियो है और बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों साइड कोने पर कट कर लिया है। अगर आप पूरी फुल वीडियो देखना चाहते हो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, अस्तर वाले पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, तो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ देख सकते हो। मैंने पूरी फुल वीडियो डाली है, कटिंग की अलग डाली है और स्टिचिंग अलग डाली है, जिससे कि लॉन्ग वीडियो ना हो, आपको परेशानी ना हो देखने में। अब देखो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया अंदर और ऊपर से एक सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि मेरे जो पॉकेट का कपड़ा है, पैंट का कपड़ा एकदम सेट हो जाए, क्योंकि अस्तर वाला पैंट है ये। नॉर्मल पैंट में भी हम बिना अस्तर वाले पैंट में भी ऊपर से सिलाई लगाते हैं, जिससे कि पॉकेट का कपड़ा एकदम सेट हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग और सिलाई सिखाई है, फुल सिलाई सिखाई है मैंने, फुल कटिंग सिखाई है। पॉकेट लगाना, आसन जोड़ना, बेल्ट लगाना, इलास्टिक डालना, फिटिंग देना, प्रॉपर नीचे कैसे फिटिंग आती है आपकी, कि जिससे कि आपका पैंट ऊपर ना चढ़े और घूमे नहीं मोहरी, पूरा फुल बताया है मैंने उसमें वीडियो में। आप फुल वीडियो देख सकते हो वहाँ पर, और 100% आप उस वीडियो को वॉच करोगी तो ज़रूर सीखोगी। अब देखो इस तरह से हमें फोल्ड नहीं करना है कपड़े को, हमें अंदर फोल्ड करना है। बहुत लोगों को पैंट की कटिंग आती है, स्टिचिंग आती है, लेकिन पॉकेट लगाना नहीं आता है, तो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो सिर्फ पॉकेट की ही बनाई है आपके लिए। इस तरह से नीचे भी सिलाई लगा दूँगी इसमें मैं। और ध्यान रखना पॉकेट में हमेशा डबल स्टिच करके चलें, क्योंकि महंगे फोन्स और पैसे रखते हैं हम या कोई सामान रखना हो तो स्टिच जल्दी ना खुले, सिलाई का जो टाँका जल्दी ना टूटे, तो इसलिए आप डबल स्टिच करके ही चलें। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी पॉकेट लगकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी आराम से सिखा रही हूँ, फिर भी 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी ये वीडियो कम्प्लीट हो गई। अब इसको मैं सीधा पलट लूँगी, जिससे कि सिलाई लगाई है वो मेरी अंदर चली जाए, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। देखो फिनिशिंग अच्छी आई, अगर बाहर की तरफ सिलाई लगाते ना तो वो बाहर दिखाई देता कपड़ा लटका हुआ, लेकिन अब अंदर चला गया क्योंकि मैंने पलट कर कपड़ा पे सिलाई लगाई थी नीचे। अब आपको इसको सीधा कर लेना है और दोनों साइड ऊपर सिलाई लगा लेना है। क्यों? जब इसका हम पीछे वाला पार्ट जॉइंट करेंगे तो हमारा पॉकेट का कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम इस पर अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर मेरी पॉकेट बताना आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान सिखाती हूँ अपने चैनल पर मैं, और हर तरह की कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ, सूट की भी, पैंट की, ब्लाउज की, सब की। आपने पूरी वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद आपके लिए, और आपने सीखा इससे।